सभी मजदूर, चाहे वो ठेकेदार के अंदर काम करते हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे अधिकारी। अधिकारियों का भी एक दिन देखे थे कि शायद वो लोग प्रदर्शन वगैरह किया था, धरना दिया था। तो ये चीज ही ये मदर इंडस्ट्रीज कहलाता था। और इसके पीछे कितने छोटे छोटे यूनिट थे। और एक समय ऐसा था कि एचईसी के बल पर ही रांची का व्यापार भी निर्भर करता था। इंतजार रहता था कब एचईसी में पेमेंट हो, कब बोनस मिले, ये सब सारे इंतजार में लोग रहते थे। और उस समय हम समझते हैं कि कितना 21,000 मजदूर काम करते थे, शायद 2,000-4,000 भी हैं कि नहीं है, सब मिला के 3,000। अब देखिए जो जमींदाता लोग हैं, इतना बड़ा जगह शायद कभी कहीं कभी मिलेगा भी नहीं, जो लोग जमीन दिया। और लोग सोचते थे कि यह इतना बड़ा एचईसी प्लांट है और इतनी बड़ी जगह है, धीरे धीरे और भी कुछ खुलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हम लोग भी सोचते थे और यहाँ के लोग भी सोचते थे। औने पौने दाम में जमीन लिया और वो जमीन आज करोड़ों के हिसाब से बेच रहे हैं, और फैक्ट्री के तरफ उसके बाद भी बेच बेच के कितना दिन अब चलाइएगा। पहले 8-10 साल में कहते थे कि जमीन बेच रहे हैं, पेमेंट करेंगे, तो उस समय कहते थे कि जो CMD था तो कितना दिन इस तरह से चलेगा। तो आपके यहाँ उस समय दुबे जी थे क्या कोई, एक बार बीच में जो दीपक दुबे जी, अभी यहाँ नहीं, दुबे जी तो अब वे करते थे, CMD कौन थे, पांडे जी थे। तो उस समय भी रुग्ण स्थिति था और लगा कि कब फैक्ट्री बंद हो जाएगा। दीपक दुबे जी और पांडे जी हमारे यहाँ पहुँचे और उन्होंने दिल्ली में 15 दिन महीना दिन अड्डा डाल दिया, कैसे ही फैक्ट्री को बचाना। तो उस समय अटल जी की सरकार थी, हम 15-20 MPOs से दस्तखत करवाए, झारखंड के लोगों से, बिहार के लोगों से भी करवाए। और हमने कहा कि किसी भी हालत पर HEC बंद नहीं होना चाहिए। और उस समय चालू हुआ, बंद नहीं हुआ, रुग्ण जो बेफार से बाहर निकला और फिर CCL वगैरह से ऑर्डर भी मिला। ऑर्डर नहीं मिल, उस समय ऑर्डर भी नहीं मिलता था। तो ये चीज़ें हम समझते हैं कि आप रेलवे से लेके और हवाई जहाज का भी पार्ट पुर्जा हर तरह का बना बना करके यहाँ से आप भेजते रहे हैं। चंद्रयान में काफ़ी नाम हुआ है HEC का। मुझे ताज्जुब लगता है कि भारत सरकार, ये भारत सरकार का प्लांट है। मैं किसी का शिकायत नहीं करता, उनके सच्चाई है कि आज भारत सरकार का प्लांट कहीं तो खुला नहीं, जो है वो भी बंद होने की स्थिति में है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तरह तरह के खर्चे रोज हो रहे हैं और लोगों का जो रोजगार मिला हुआ है, अरे रोजगार तो यही इंडस्ट्री वगैरह से ही मिलता है। सरकारी जगह में भी आप देखें कि हर विभाग में, किसी विभाग में, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, हर जगह जगह खाली है। और कुछ 2-4 आदमी वहाँ भी, अब सरकारी विभाग में भी बाहर से लोगों को ठेकेदार के माध्यम से वहाँ भी नियुक्ति हो रहा। तो जो हो रहा है यहाँ, HEC इतना बड़ा प्लांट है। और अफसोस है कि 18-20 महीने से तनख्वाह सरकार का, पर भारत सरकार का कारखाने में ये हालत है। ये दुर्भाग्य की बात है। प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह जहाँ एक आध महीना 2 महीना अगर रुकता है तो सभी लोग प्रेशर देते हैं कि चाहे सरकारी संस्था हो, जितना लेबर डिपार्टमेंट है, सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं कि काहे उनका पेमेंट नहीं हुआ।
ये तो भारत सरकार का प्लांट, अभी अफसोस है कि इतना बड़ा प्लांट में अभी डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, कोई CMD भी नहीं है, इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आज 18-20 महीने से तनख्वाह अधिकारियों को नहीं मिला है, मजदूरों को नहीं मिला है, और मजबूर होकर के आज हड़ताल और धरना पर आप बैठे हुए हैं। बड़ा इससे तकलीफ की बात कुछ नहीं हो सकती, उसके बाद भी सरकार का ध्यान नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ के जो सांसद हैं, झारखंड के हैं, यहाँ के हैं, जो भी हैं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मगर ईमानदारी की बात है, इतने लोगों का पेट का सवाल है, मजदूरी का सवाल है, आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं, तो इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। मगर हिम्मत है तो आप सारे झारखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं भारत सरकार में, सबको मिल करके और इस HEC को बनाने में, बचाने में सबका सहयोग होना चाहिए। आपका पद बहुत बड़ा चीज नहीं है, इतने लोगों का रोजी रोटी का सवाल है। अब क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये झारखंड क्या, पूरा भारत देख रहा है कि यहाँ के मजदूर का हालत आराम से नहीं, वर्षों से सुन रहे हैं कि यहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो लोगों के मन से और लोगों के का जो आह लगेगा हृदय से, दिल से, वो उससे शायद बच नहीं पाइएगा। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा भारत सरकार से, और जो भी अधिकारी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, चूंकि उनके साथ भी वही हालत है, भारत सरकार को दें, जो विभाग हैं और प्रधानमंत्री है, उनको इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से उस समय हम लोगों ने दबाव बनाया, सरकार ने संज्ञान लिया और HEC बचा, इसको और बढ़ाने का हम लोग सोचते कि और इसमें कुछ बढ़े और लोगों का रोजी रोटी लगे, तो 21,000-22,000 से आके आज 2-3 हज़ार में अटक गए, उसको भी आप पैसा नहीं दे रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि फैक्ट्री के बंद करना चाहते हैं, अगर किसी को देना चाहते हैं वो भी खुल के बोलिए। अगर आपके मन में है तो कोई आपका आदमी को देने वाले हैं तो आप दीजिए, मगर फैक्ट्री को बंद मत कीजिए, लोगों के साथ शोषण मत कीजिए, लोगों को तनख्वाह दीजिए। और जब तक है, चूंकि अभी सीधे भारत सरकार के साथ लिंक, तो उन्हीं को कहा जाएगा कि भारत सरकार उस पर संज्ञान ले, और जो आज तक मजदूरों का पेमेंट नहीं हुआ है वो पेमेंट करें। ठेकेदार मजदूरों के साथ भी धोखा दे रहे हैं, कोई टेंडर नहीं हुआ और कह रहे हैं कि काम करने के लिए, तो रेगुलर हैं, उनका पेमेंट करें तो उनका पेमेंट आप कहाँ से कीजिएगा। इसलिए आपने जो भी रास्ता अपनाया है अपना हक अधिकार के लिए, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं आप जो काम किए हैं उसका मजदूरी चाहिए। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी बात कहते हैं, बहुत सा बात कहेंगे तो पॉलिटिकल बात हो जाएगा। जो स्थिति आप उत्पन्न कर रहे हैं तो मैं पॉलिटिकल बात नहीं, जो यहाँ के साथ जो गुजर रहा है इसको कौन देखेगा, इसका माँ बाप कौन है, भारत सरकार है। और भारत सरकार का परिस्थान में 3,000-4,000 मजदूरों के साथ आप इसी कारखाने को बढ़ाने के बजाय बंद करने की स्थिति में क्या चाहते हैं। मैं जो काम कर रहे हैं उनका भुगतान सरकार करे, और मैं इस मन से मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप समय रहते हुए इन लोगों का मजदूरी भुगतान नहीं करते हैं, और आज नहीं कारखाना चालू भी रहे तभी मजदूरों का भुगतान समय पर होना चाहिए। अगर भारत सरकार का ही हालत रहेगा तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे, दूसरे लोग तो यही कहेंगे कि अरे सरकार का ही हालत है तो हम क्या करें। तो भारत सरकार का ही इंटरेस्ट, उस पर अगर ध्यान नहीं है सरकार को, इससे दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार तुरंत इस पर संज्ञान ले और